हुआ कि भ्रष्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अपनी एक सहयोगी आतिशी, जिसने कि पिछले दिनों निगम की बैठक में हंगामा करवाया, एक बैठक वायल हुई है जिसके अंदर आतिशी ने अपने निगम पार्षदों को कहा कि आप जाइए वहां पे दंगा कीजिए, मारपीट कीजिए, भाजपा के पार्षदों धक्का दीजिए, उनको थप्पड़ मारिए। उनके कहने के बाद वहां दंगा चालू हुआ और उस बैठक को समाप्त करना पड़ा। ऐसी दंगाई लेडी को, ऐसी अराजक फैलाने वाली लेडी को अरविंद केजरीवाल जी शिक्षा मंत्री बनाना चाहते हैं। वे क्या संदेश देना चाहते हैं कि दंगा करने वाले अब दिल्ली के शिक्षा मंत्री होंगे? क्या वे अपने स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे कि दंगा कैसे किया जाता है? वे बच्चों को पढ़ाएंगे कि अराजकता कैसे फैलाई जाती है? बच्चों को पढ़ाएंगे कि झगड़ा कैसे किया जाता है? दुर्भाग्य है दिल्ली का कि ऐसी महिला को वो शिक्षा मंत्री बनाने वाले हैं जिनको खुद शिक्षा नहीं है, जिनको खुद ज्ञान नहीं है कि सदन में कैसे व्यवहार किया जाता है, उनको खुद नहीं मालूम कि हम सत्ता में हैं तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। सबको भड़का के दंगा करवाने वाली महिला को शिक्षा मंत्री बनाना, ये वाकई में दिल्ली के दुर्भाग्य की बात है। केजरीवाल जी, सोच उठा कीजिए, आप दिल्ली को दंगों में मत धकेलिए, आप दिल्ली में भ्रष्टाचार मत कीजिए, दिल्ली में शराब माफिया को मत पनपने दीजिए। आप तो शराब माफिया के मुखिया हैं, आपको भी तुरंत इस्तीफा देके जेल चले जाना चाहिए। आपके खिलाफ भी इंक्वायरी चल रही है। आप प्रमुख व्यक्ति हैं जिसने की शराब माफियाओं को साथ में लेकर इतना बड़ा कांड किया जिससे कि दिल्ली सरकार को 2500 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान होगा। 144 करोड़ रुपए माफियाओं को माफ किए, 30 करोड़ रुपए टेंडर के आपने वापस कर दिए। क्या नीयत थी आपकी? आपसे बिना पूछे कोई काम नहीं हुआ है। शराब जो